हेलो एवरीवन, सैनिक स्कूल गोराकल से टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टाफ की वैकेंसी आई है। एक पोस्ट जो कि रेगुलर बेस पर है और बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी और इसके साथ में जो है आप लोगों को रहने की सुविधा, फ्री फूड, ये सारी सुविधाएं आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलेगी। तो ये जो स्कूल है, सैनिक स्कूल गोराकल, इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर हम चेक करेंगे, जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भी जो अलग से दिया हुआ है और नोटिफिकेशन भी वहीं आपको देखने को मिलने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो चलिए फटाफट से जो है इसकी मेन वेबसाइट पर चलेंगे, सैनिक स्कूल गोराकल, ये इसकी मेन वेबसाइट है और आप लोगों को रनिंग में ही जो है वो नजर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने जो है वो एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है, ये लिखा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सेकंड जो लाइन है, एडवर्टीजमेंट फॉर द वैकेंसी, ठीक है, ये है। और उसके साथ में जो है इसी के बाद जो है वो बायोडाटा कम एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले जो है एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है, ठीक है। सैलरी जो है यहाँ पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को सैलरी दी जाएगी, काफ़ी बेसिक से पे जो है वो 35,400 यहाँ रहेगी। 18 से 50 साल उम्र रखी गई है। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 5 साल का जो ऑफिस एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं टीजीटी इंग्लिश में। यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है ये इंग्लिश की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, तो बैचलर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सैनिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम में ही जो है आप लोगों को पढ़ाना होगा। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं या इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट जो है अपनी काबिलियत के आधार पर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पढ़ाना होगा, बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ में। यहाँ पर जो सैलरी आप लोगों को मिलेगी, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है लेकिन काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। सैलरी के साथ में आप लोगों को रेजिडेंस, साथ में फ्री फूड यानी भोजन जो है ये भी आपको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी, पीजीटी में जो है वो 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की जो कि एससी की एक है और ओबीसी की एक है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। और जो भी नोटिफिकेशन में होता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है पीजीटी के लिए क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके 50% अंक होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए। सैलरी जो है आप लोगों को पर मंथ जो है यहाँ पर 57,000 तक आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस और फ्री मील्स यानी स्कूल में जो है रहने की आपको सुविधा और भोजन, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। 21 से 40 साल जो है वो उम्र यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जो है लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं तो अदर कैटेगरी के साथ जो है इसको फिल किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। और 30,000 जो है यहाँ पर मंथ होंगे। 21 से 35 साल जो है उम्र रखी गई है। बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग आप लोगों ने किए है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने, अगर वो एलिजिबल है बैंड मास्टर के लिए तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 32,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 21 से 50 साल उम्र है। मेडिकल ऑफिसर की जो है एक वैकेंसी है जो कि टेम्परेरी बेस पर है, और यहाँ पर भी अनरिजर्व कैटेगरी के और बैंड मास्टर के लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीबीएस चाहिए मेडिकल ऑफिसर के लिए। 53,100 पर मंथ आप लोगों को सैलरी दी जाएगी और 60 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नर्सिंग सिस्टर की एक है, तो नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री आपको चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, ठीक है। 25,000 सैलरी मिलेगी, 18 से 50 साल उम्र है। मैट्रोन की जो एक वैकेंसी है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर 10th या इसके इक्विवेलेंट अगर एग्जामिनेशन आपने पास किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, मिनिमम जो है वो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, ठीक है। और बाकी जो है इंग्लिश रहेगा। 25,000 सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकल टीचर की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। 25,000 सैलरी आपको मिलेगी, 21 से 35 साल, ठीक है। बाकी जो है रहने की और खाने की सुविधा ये सभी को यहाँ पर प्रोवाइड होगी।
क्योंकि सैनिक स्कूल जो है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल रहते हैं, आवासीय विद्यालय रहते हैं, स्टूडेंट्स तो वहाँ पर उनका हर चीज़ जो है उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, साथ में टीचर्स को भी। वार्ड बॉय जो है उनकी दो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये वैकेंसी एक ओबीसी की है और एक अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो यहाँ पर जो है केवल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और आपकी इंग्लिश जो है वो होनी चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोराखल, पोस्ट ऑफिस गोराखल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड, और ये जो है वो पिन कोड रहेगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो लगे होते हैं, लेकिन कई सालों तक जो है वहाँ स्कूल में काम कर रहे होते हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात करें चाहे हम सैनिक स्कूल की बात करें। क्योंकि अगर आपका जो है वो काम अच्छा होगा, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, तो वो आपको नहीं हटाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए नहीं फिल करते हैं कि वो पहले ही देख लेते हैं कि ये तो वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है वो 2-3 साल जो है वो एक जगह काम कर लेते हैं और नेक्स्ट अगर आपका जो है यहाँ पर काम करने का मन नहीं है और नेक्स्ट स्कूल में अगर अगर आप अप्लाई करते हैं और उनको पता होता है कि आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस पहले से ही है, तो यहाँ पर अच्छी सैलरी के साथ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर भी जो है वो रखा जाता है और दूसरे स्कूल में, और सैलरी भी काफ़ी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो बाकी कि आगे जो है वो काम आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसी भी होती हैं जहां पर क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तब ऐसे ही जो टीचर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाकर आए होते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए ही वो खुली होती है। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखें, बिल्कुल वक्त जो है वो ना गंवाएं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% उस पर फोकस करें, और अगर आप जो है वो बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हो जाए, तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाना भी चाहिए। सैलरी के साथ में जो है आप लोगों का सब्जेक्ट भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो ये मेरी जो है वो पर्सनल राय थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोगों को इस एड्रेस पर जो है बायोडाटा और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देने हैं। लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2023 जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट है, और उसके बाद जो है वो बायोडाटा, ये जो है बायोडाटा है सैनिक स्कूल गोराखल नैनीताल। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, और फिल करके जो एड्रेस बताया है उस पर सेंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है वैकेंसी और भी आती है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की वैकेंसी जो अब आना स्टार्ट हो गई है, सितंबर के बाद से जो है वो बिल्कुल वैकेंसी आएगी और अच्छे अच्छे स्कूल्स की वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल भी वक्त ना गंवाएं। 1 साल भी जो है वो बिल्कुल फ्री बैठना जो है वो स्टूडेंट के लिए सही बात नहीं होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।